प्यारे बच्चों, आप सभी लॉकडाउन के कारण अपने अपने घरों में हैं। ऐसे समय में हम लेकर आए हैं आपके लिए डिजी साथ कार्यक्रम। इसके माध्यम से आप प्रत्येक दिन सोमवार से शुक्रवार तक पूर्वाह्न 10 से 12 तथा अपराह्न 1 से 2 बजे तक अपने अपने कक्षाओं के अनुरूप कार्यक्रम देख सकेंगे। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड। नमस्ते दोस्तों, आप सबका झारखंड सरकार के डिजी साथ प्रोग्राम में स्वागत है। आइए देखते हैं कि आज हम क्या पढ़ेंगे। हम एपिसोड की शुरुआत में 10वीं कक्षा में पढ़ेंगे गणित की अध्याय वास्तविक संख्याएं। इस अध्याय का हम चौथा भाग देखेंगे और साथ ही उस पर आधारित कुछ रोचक प्रश्नों को भी देखेंगे। इसी प्रकार से 10वीं कक्षा में हम साइंस में पढ़ेंगे अध्याय जैव प्रक्रम। इस अध्याय का हम आज पहला तथा दूसरा भाग देखेंगे और साथ ही उन पर आधारित कुछ रोचक प्रश्नों को भी देखेंगे। इसी प्रकार से 12वीं कक्षा में आज हम पढ़ेंगे गणित की अध्याय संबंध एवं फलन। इस अध्याय का आज हम पांचवा भाग देखेंगे और साथ ही उस पर आधारित कुछ रोचक प्रश्नों को भी देखेंगे। इसी प्रकार से कक्षा 12वीं में हम फिजिक्स का अध्याय वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र पढ़ेंगे। इस अध्याय का आज हम पांचवा भाग देखेंगे और साथ ही उस पर आधारित कुछ रोचक प्रश्नों को भी देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना प्रोग्राम डिजी साथ। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी। नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्याएं का पार्ट 4। वास्तविक संख्या को इंग्लिश में रियल नंबर्स कहते हैं। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में आज हम क्या पढ़ेंगे। परिमेय संख्याओं और उनके दशमलव प्रसारों का पुनर्भ्रमण। तो चलिए देखते हैं परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार किस प्रकार के होते हैं। परिमेय संख्याओं में दो प्रकार के दशमलव प्रसार हो सकते हैं, शांत या फिर अशांत आवर्ती। इस अनुच्छेद में हम एक परिमेय संख्या, मान लीजिए p/q, जहां पर q शून्य के बराबर नहीं है, पर विचार करेंगे तथा यथार्थ रूप से इसकी खोज करेंगे कि p/q का दशमलव प्रसार कब शांत होगा और कब अशांत आवर्ती होगा। तो चलिए इसे जानने के लिए कुछ प्रमेय देखते हैं। प्रमेय 1.5, मान लीजिए x एक ऐसी परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत है, तब x को p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां p और q सह अभाज्य संख्या है तथा q का अभाज्य गुणनखंडन 2n गुने में 5m के रूप का है, जहां nm कोई ऋणेतर पूर्णांक है। यानी x अगर कोई एक परिमेय संख्या है और उसका दशमलव प्रसार शांत है, तो x को हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। साथ ही q का अभाज्य गुणनखंड 2n गुने में 5m के रूप का होगा तथा n और m यहाँ पर ऋणेतर पूर्णांक होगा। ऋणेतर मतलब जो ऋणात्मक नहीं है, यानी कि धनात्मक होगा। उदाहरण देखते हैं। मान लेते हैं x बराबर 0.375 एक परिमेय संख्या है, तो अब हम इसको 375/1000 लिख सकते हैं दशमलव हटाने के बाद। अब हम यहाँ पर 1000 यानी कि जो इसका हर है उसका अभाज्य गुणनखंड करें, तो ये आएगा 2^3 गुने में 5^3। अब हम 5^3 से 375 को कैंसिल करेंगे तो ये 3 में कटता है, तो ये आ जाएगा 3/2^3 जो कि बराबर आएगा 3/8। तो आप पिछले प्रमेय को इस उदाहरण से समझ सकते हैं। x बराबर में 0.375 एक परिमेय संख्या है जिसको हम 3/8 यानी p/q की फॉर्म में लिख पा रहे हैं,
क्योंकि इसका पी अपॉन क्यू फॉर्म जो है वहां पर क्यू का भाज्य गुणनखंड 2 की पावर n गुने में 5 की पावर m के रूप में है। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक अगला प्रमेय देखते हैं। प्रमेय 1.6, मान लीजिए x बराबर p बटे q है, जहां p और q सह अभाज्य है। एक इस प्रकार की परिमेय संख्या है कि q का अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n गुने में 5 की पावर m के रूप का है, जहां n, m रिमीटर पूर्णांक हैं। तब x का दशमलव प्रसार शांत होगा, यानी किसी भी परिमेय संख्या के हर यानी q का अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n गुने 5 की पावर m के रूप का है, तो इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। चलिए उदाहरण देखते हैं। मान लेते हैं x बराबर है 13/250। अब हम इस 250 यानी कि हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो ये आएगा 13/2 गुने में 5 की पावर 3। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इस परिमेय संख्या का q यानी कि 250 का अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n गुने में 5 की पावर m के रूप में है, तो इसका दशमलव प्रसार शांत होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं क्या ये शांत है या नहीं। अब हम इसमें 5 की पावर 3 है, तो दोनों की पावर यानी 2 की पावर भी 3 के बराबर लाने की कोशिश करेंगे। उसके लिए हम 2 की पावर 2 से अंश तथा हर दोनों को गुणा करेंगे। इस प्रकार हमें 13 × 2^2 / 2/3 गुने में 5 की पावर 3 मिल गया है। यहाँ हमें यही करना होता है कि हमें नीचे 2 तथा 5 दोनों की पावर को बराबर करना होता है। अब हम इसको कंबाइन करें तो ये आएगा 13 × 4/10 / 3। हम इसको लिख सकते हैं 52/10 / 3, जो आएगा 0.052, जो कि शांत है। तो ये शांत क्यों प्राप्त हुआ? क्योंकि 2^1 गुने में 5^3 2^n गुने 5^m के रूप का है, इसीलिए इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। चलिए अगला प्रमेय देखते हैं। जब ये 2^n गुने में 5^m के रूप का नहीं होगा, फिर क्या? प्रमेय 1.7, मान लीजिए x बराबर p/q एक परिमेय संख्या है। यह संख्या इस प्रकार की है कि q का अभाज्य गुणनखंड 2^n गुने में 5^m के रूप का नहीं है, जहां पर n, m ऋणेतर पूर्णांक है यानी कि धनात्मक पूर्णांक। तब x का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होता है, यानी सरल रूप में कहे तो किसी परिमेय संख्या का हर यानी q का अभाज्य गुणनखंड 2^n गुने में 5^m के रूप का अगर नहीं है, तो वो अशांत आवर्ती होगा, अन्यथा शांत होगा। चलिए इसका भी एक उदाहरण देखते हैं। मान लेते हैं x बराबर 64/455 एक परिमेय संख्या है। अब हम 455 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो ये आएगा 64/5 × 7 × 13 यानी 455 का अभाज्य गुणनखंड होगा 5 × 7 × 13, क्योंकि 5 × 7 × 13 2^n × 5^m के रूप का नहीं है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। तो इसी के साथ आज का टॉपिक खत्म होता है। इस वीडियो में हमने सीखा परिमेय संख्याओं और उनके दशमलव प्रसारों का पुनर्क्रम, जिसको अगर हम शॉर्ट में देखें तो किसी भी परिमेय संख्या के हर का अभाज्य गुणनखंड अगर 2^n गुने में 5^m के रूप में है, तो ये शांत है। अगर ये 2^n गुने 5^m के रूप में नहीं है, तो ये अशांत आवर्ती है। अगली वीडियो में हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। धन्यवाद।
नमस्कार दोस्तों, आज हम एक नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। उस अध्याय का नाम है जैव प्रक्रम। तो चलिए जानते हैं कि इस अध्याय में हम क्या क्या जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सजीव तथा निर्जीव की। उसके बाद हम बात करेंगे आवनिक गतियों के बारे में, और फिर हम जानेंगे कि आखिर जैव प्रक्रम होता क्या है। और आखिरी में हम एक सवाल को देखेंगे, जो सवाल है कि विषाणु सजीव है या फिर नहीं। और ये बहुत ही मजेदार सवाल है, क्योंकि दरअसल इसका कोई उत्तर है ही नहीं। तो चलिए शुरुआत करते हैं सजीव तथा निर्जीव को जानते हुए। अब हमने बचपन में पढ़ा था कि सजीव चीजें वो होती हैं जो चल सकती हैं। जैसे कि हम चल सकते हैं तो हम सजीव हैं। उसी तरीके से जो चीजें खेल सकती हैं, जैसे कि हम खेल सकते हैं तो हम सजीव हैं। वहीं पर जो चीजें बात कर सकती हैं, चल फिर सकती हैं, वो सारी चीजें सजीव होती हैं। परंतु अगर हम इस उदाहरण को देखें और इस तरीके से सजीव या निर्जीव में अंतर बताएं, तो अगर हम पेड़ की बात करेंगे तो पेड़ की बात करने पे हमें पता चलता है कि पेड़ बात तो कर ही नहीं सकते, ये खेल भी नहीं सकते और ना ही ये चल सकते हैं। तो हमने जो बचपन में पढ़ा था सजीव और निर्जीव के बारे में, उसके हिसाब से तो पेड़ निर्जीव हो गया। परंतु हम जानते हैं कि पेड़ निर्जीव नहीं होता। तो अब इससे हमें पता क्या चलता है? इससे हमें पता चलता है कि दिखाई देने वाली जो गति होती है वो जीवन को परिभाषित लक्षण के लिए पर्याप्त नहीं होती। तो यानी कि हमें कोई और लक्षण चाहिए, जिन लक्षण के आधार पर हम बता सकें कि कोई सी चीज सजीव है या फिर नहीं है। तो यहीं पर जीवन के परिभाषित लक्षण के लिए आवनिक गतियां अधिक आवश्यक हो जाती हैं। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि आखिर आवनिक गतियां कहते किसे हैं, आखिर ये होती क्या है? तो चलिए जानते हैं एक उदाहरण से। अगर हम कोई खाना खाते हैं तो वो खाना पच जाता है, और पचने के बाद क्या होता है, हमारे शरीर को उससे ऊर्जा की आपूर्ति होती है। अब ऐसा तो है नहीं कि हम खाना को खुद पचाते हैं, दरअसल हम तो बस खाने को खाते हैं और वो अपने आप ही पच जाता है और हमारे शरीर को उससे ऊर्जा भी मिल जाती है। अब ये होने के लिए हमारे शरीर में बहुत सारी गतियां होती हैं। दरअसल ये जो गतियां होती हैं इन्हें ही कहा जाता है आवनिक गतियां। ये गतियां हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। चलिए जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है। दरअसल जैसा कि हम जानते हैं, सजीव की संरचना सुसंगठित होती है। उनमें उत्तक होते हैं, उत्तकों में कोशिकाएं होती हैं और कोशिकाओं में छोटे छोटे घटक होते हैं, जैसे कि केंद्रक या फिर झिल्लियां आदि। तो अब होता क्या है कि सजीव की यह संगठित एवं सुव्यवस्थित संरचना समय के साथ साथ पर्यावरण के प्रभाव के कारण विघटित होने लगती है। अब कोई चीज विघटित होती है तो उसे मरम्मत की जरूरत होती है। इसी तरीके से जो हमारे शरीर की ये कोशिकाएं होती हैं, इन्हें भी अनुरक्षण की आवश्यकता होती है और मरम्मत की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये सभी संरचनाएं अणुओं से बनी होती है, अतः उन्हें अणुओं को लगातार गतिशील बनाए रखना चाहिए। और इसीलिए जो आवनिक गतियां होती हैं वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं हमारे जीवन के लिए। उदाहरण के लिए हमारे शरीर में एक आवनिक गति होती है हमारे रक्त का बहाव। अब जैसा कि हम जानते हैं, हमारे रक्त के अंदर लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं, सफेद रक्त कोशिकाएं होती हैं और प्लाज्मा होता है। अब यहाँ पर होता क्या है कि हमारा जो रक्त होता है वो हमारे शरीर के हर एक कोशिकाओं से जुड़ा हुआ होता है। और मान लीजिए अगर हमें कोई दवाई लेनी होती है या फिर कोई इंजेक्शन लेना होता है, तो वो भी हमारी नसों में ही दिया जाता है, क्योंकि जो हमारा रक्त है वो हमारे शरीर के हर एक कोशिका से जुड़ा हुआ है, और जो दवाई या फिर इंजेक्शन है वो हमारे हर एक कोशिका तक पहुंचा सकता है। इसी तरीके से जो हम भोजन खाते हैं वो पचने के बाद रक्त में चला जाता है, क्योंकि जो पचा हुआ भोजन होता है वो कोशिकाओं को चाहिए होता है, और जो रक्त है वो सभी कोशिकाओं से जुड़ी हुई होती है, इसलिए वो सभी कोशिकाओं तक उन भोज्य पदार्थों को पहुंचा सकती है। तो जो हमारा रक्त है वो हमारे शरीर के लिए एक वाहन का काम करता है। दरअसल इसे कहा जाएगा एक अनुरक्षण प्रक्रम, क्योंकि यहाँ पर पूरा एक प्रोसेस है किसी काम को करने के लिए। तो सवाल ये आता है कि आखिर सजीवों में अनुरक्षण के ये प्रक्रम है कौन कौन से। तो चलिए खोजते हैं इन प्रक्रम के बारे में,
कि आखिर ये कौन कौन से हैं। दरअसल अगर हम किसी जीव की बात करें तो जीवों का जो अनुरक्षण कार्य होता है वो निरंतर होना चाहिए। यह उस समय भी चलता है जब वो कोई विशेष कार्य नहीं कर रहे होते। उदाहरण के लिए जब आप सो रहे होते हैं तो हम कोई कार्य नहीं कर रहे होते, परंतु उस समय भी हम सांस ले रहे होते हैं और हमारा दिल धड़क रहा होता है, क्योंकि जो हमारा शरीर है वो अनुरक्षण का कार्य कर रहा होता है और उसे ये उस टाइम पर भी करना होता है। वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप में अनुरक्षण का कार्य करते हैं उन्हें कहा जाता है जैव प्रक्रम। दरअसल जैव प्रक्रम बहुत तरीकों के होते हैं, परंतु अगर हम बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण जैव प्रक्रमों की बात करें तो ये हैं कुल चार। चलिए जानते हैं कि ये चारों कौन से हैं। सबसे पहले आता है पोषण। पोषण में होता क्या है कि जो हम खाना खाते हैं उससे हमें पोषण मिलता है और इसके अंदर पाचन होता है। दरअसल जो हम खाना खाते हैं वो हम भोजन के रूप में लेते हैं और जो हमारा शरीर होता है वो उसको बाद में पचा देता है, और पचने के बाद जो हमारा भोजन होता है उससे हमें ऊर्जा की चीजें मिल जाती हैं, जिससे हमारी कोशिकाओं को ऊर्जा मिलती है और वो अपना काम अच्छे से कर सकती है। दूसरा प्रक्रम है श्वसन का। इसके अंदर होता क्या है कि हम सांस लेते हैं और जो कोशिकाएं होती हैं उनमें ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है। दरअसल हमें कई बार क्या लगता है कि श्वसन और सांस लेना दोनों एक ही बात है, परंतु सांस लेने का मतलब होता है ऑक्सीजन को बाहर से हमारे फेफड़ों तक ले जाना और कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ों से बाहर निकालना। सांस लेने का प्रोसेस सिर्फ इतना सा होता है। वहीं अगर हम श्वसन की बात करें तो उसमें सांस लेना भी आता है, उसमें जो कोशिकाओं के बीच में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है वो भी आता है, और इस ऑक्सीजन की मदद से जो हमारी कोशिकाओं में ऊर्जा बनती है ये भी श्वसन प्रोसेस के अंदर ही आता है। तो श्वसन और सांस लेना दोनों समान नहीं है। सांस लेने का मतलब होता है सिर्फ सांस लेना, वहीं पे श्वसन एक प्रक्रम है जिसके अंदर बहुत सी चीजें होती हैं। अब तीसरा प्रक्रम है वहन का। वहन में जो हमारा हृदय होता है वो हमारे रक्त को हमारे हर कोशिका तक पहुंचाता है। वहीं पर रक्त का काम होता है भोजन का स्थानांतरण। इसके अलावा जो रक्त होता है वो मिनरल्स को और कई सारी और चीजों को भी कोशिकाओं तक पहुंचाता है। और चौथा प्रोसेस होता है उत्सर्जन का। इस प्रक्रम में जो कचरा होता है उसे हमारे शरीर से हटाया जाता है। मतलब ये जो इससे पहले जितने भी प्रक्रम पढ़े थे उनसे क्या होता है कि शरीर में कुछ ऐसी चीजें आ जाती हैं जो हमारे शरीर को नहीं चाहिए, तो हमारे शरीर के लिए वो क्या हो गई, कचरा। और क्योंकि कचरा शरीर में तो नहीं रखना, उसे हटाना चाहिए, तो उत्सर्जन वो प्रक्रम है जिससे इस कचरे को शरीर से हटाया जाता है। यहाँ पर हमारी मदद करता है हमारा ब्रिक, जिसे कहते हैं किडनी। ये हमारे शरीर में दो होते हैं और ये हमारे शरीर से कचरे को हटाने का काम करते हैं। तो ये चार जैव प्रक्रम हैं जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आगे आने वाली वीडियोस में हम इन चारों प्रक्रम को और अच्छे से जानेंगे। तब तक चलिए उस प्रश्न की बात कर लेते हैं जिसकी बात हमने वीडियो के शुरुआत में भी करी थी। जो प्रश्न था कि विषाणु सजीव है या नहीं। दरअसल विषाणुओं के अंदर आवनिक गति नहीं होती। अब हमने शुरुआत में ये जाना था कि जीवन की परिभाषा क्या है। वो जीव जिनमें आवनिक गति होती है वो जीवित होते हैं, परंतु जो वायरस यानी कि विषाणु होते हैं उनके अंदर आवनिक गति होती ही नहीं, तो इसका मतलब ये निर्जीव है। परंतु जब ये किसी कोशिका को संक्रमित करते हैं तब इनके अंदर आवनिक गतियां होती हैं। तो अब इसका मतलब कि जब ये किसी को संक्रमित कर लेते हैं तब ये सजीव हो जाते हैं। तो देखा जाए तो विषाणु के अंदर आवनिक गतियां होती भी हैं और नहीं भी होती, और इसी कारण यह विवाद बना हुआ है कि ये वास्तव में सजीव होते हैं या नहीं। और कुछ लोग कहते हैं कि ये सजीव होते हैं, वहीं पे कुछ लोग कहते हैं कि ये निर्जीव होते हैं। तो चलिए जानते हैं कि आखिर इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। सबसे पहले हमने जाना कि सजीव तथा निर्जीव क्या होते हैं। उसके बाद हमने जाना आवनिक गतियां क्या होती हैं। फिर हमने जैव प्रक्रम की बात करी, और अंत में हमने एक सवाल के बारे में जाना, जो सवाल था कि विषाणु सजीव है या नहीं। अब इन सभी के बारे में आप अपनी बुक एनसीईआरटी का जैव प्रक्रम वाला अध्याय पढ़ सकते हैं, जिसके अंदर आपको पढ़ना है कि जैव प्रक्रम क्या होता है। अब हम अगली वीडियो में बात करेंगे पोषण के बारे में। तो आपको दो काम करने हैं।
पहला काम तो ये करना है कि आपने जो आज पढ़ा है उसके बारे में दोबारा से पढ़ना है, और दूसरा काम ये करना है कि अगली कक्षा में आपको पोषण पढ़ के आना है। इस वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज जो हम अध्याय करने जा रहे हैं उसका नाम है जैव प्रकरण। आज हम इसका दूसरा भाग करेंगे, तो चलिए जानते हैं कि इस भाग में हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पोषण की, और उसके बाद हम बात करेंगे स्वपोषी पोषण की और विषमपोषी पोषण की। जैसा कि हम जानते हैं, इससे पहले वाले जो वीडियो था उसके अंदर हमने जाना था कि जैव प्रकरण क्या होते हैं, और उसमें हमने चार तरीके के जैव प्रक्रम पढ़े थे। पोषण उन्हीं में से एक प्रक्रम है। चलिए जानते हैं कि पोषण होता क्या है। शरीर में क्रम की स्थिति के अनुरक्षण करने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसके अलावा वृद्धि, विकास, प्रोटीन संश्लेषण आदि में भी हमें बाहर से पदार्थों की आवश्यकता होती है। अब ये हमें किससे मिलेंगे? ये हमें मिलेंगे हमारे भोजन से। और अगर हम भोजन को नहीं लेंगे तो क्या होगा? हमारे शरीर की वृद्धि, विकास और प्रोटीन संश्लेषण या फिर जो भी चीजें हैं वो होना रुक जाएंगी, और उससे क्या होगा, हमारे शरीर में जितनी भी कोशिकाएं हैं वो सारी की सारी मर जाएंगी, और इसी से हमारा जो शरीर होगा वो भी मर जाएगा। तो पोषण एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रक्रम है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर इस प्रक्रम में होता क्या है और ये प्रक्रम होता किस तरीके से है। दरअसल पोषण के दो तरीके होते हैं। एक होता है स्वपोषी पोषण, ये होता है पेड़ पौधों में, क्योंकि ये पेड़ पौधे जो होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। स्वपोषी पोषण का मतलब ही होता है कि जो अपना भोजन स्वयं बना सके। दूसरा होता है विषमपोषी पोषण, इसमें वो जीव आते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। तो ये क्या करते हैं, ये स्वपोषी पोषण वाले जो भी जीव होते हैं या तो उन्हें खाते हैं या फिर किसी और दूसरे जीव को खाते हैं अपने भोजन को प्राप्त करने के लिए। तो चलिए जानते हैं स्वपोषी पोषण के बारे में। दरअसल जितने भी हरे पौधे होते हैं वो स्वपोषी होते हैं। क्यों? क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं। तो आखिर ये प्रकाश संश्लेषण होता क्या है? दरअसल इसके बारे में हम पहले की कक्षाओं में भी पढ़ चुके हैं। अकार्बनिक यौगिकों से भोजन बनाने की प्रक्रिया को कहा जाता है प्रकाश संश्लेषण। तो चलिए जानते हैं कि आखिर ये होता कैसे है। दरअसल प्रकाश संश्लेषण की कुछ आवश्यकताएं होती हैं, जैसे कि इसे प्रकाश ऊर्जा चाहिए होती है। उसके अलावा प्रकाश संश्लेषण के लिए हमें क्लोरोफिल चाहिए होता है, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है और जल चाहिए होता है। इस प्रक्रिया के दौरान जो ऑक्सीजन गैस होती है उसे एक उप उत्पाद के रूप में निष्कासित किया जाता है। प्रकाश तो हमें सूर्य से मिल जाएगा, और जल की बात करें तो पौधों को जल जड़ों की मदद से मिल जाता है। तो बात आती है क्लोरोफिल की और कार्बन डाइऑक्साइड की। चलिए जानते हैं पौधों के पास ये कहां से आते हैं। दरअसल अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो पत्तियों की सतह पर सूक्ष्म छिद्र होते हैं जिन्हें कहा जाता है रंध्र। अब ये जो छिद्र होते हैं प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का अधिकांश आदान प्रदान इन्हीं छिद्रों के द्वारा होता है। दरअसल होता क्या है कि इन छिद्रों के आसपास होते हैं गार्ड सेल। गार्ड सेल में क्या होता है कि जब इनमें पानी जाता है तो ये फूल जाते हैं और ये ओपन हो जाते हैं, जिससे जो गैस होती है वो अंदर जा सकती है और बाहर आ सकती है। परंतु जब इन गार्ड सेल से पानी निकाल लिया जाता है तो ये सिकुड़ जाते हैं और जो छिद्र होता है वो बंद हो जाता है। तो इस तरीके से जो पौधे होते हैं उनके पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस आती है। पत्तियों में क्लोरोप्लास्ट होता है जिसमें क्लोरोफिल होता है। तो पौधों को क्लोरोफिल किसी और से लेने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि पौधों के पास ये पहले से मौजूद होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर।
अब क्लोरोफिल का काम क्या होता है? दरअसल प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल बहुत ज्यादा आवश्यक है, बिकॉज ये प्रकाश को सोख लेता है, और क्योंकि प्रकाश को सोख लेता है तो प्रकाश की ऊर्जा की मदद से ये अपना भोजन बना पाता है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर इसका समीकरण किस तरीके का है। ये समीकरण बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसे याद कर लीजिएगा। दरअसल हमने पहले की कक्षाओं में जो समीकरण पढ़ा है वो कुछ इस तरीके का है। जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल अभिक्रिया करते हैं क्लोरोफिल और प्रकाश की मौजूदगी में, जो कि हमें सूर्य से मिलता है और क्लोरोफिल पत्तियों के पास होता है, तो हमें मिलता है कार्बोहाइड्रेट और साथ में मिलता है ऑक्सीजन गैस। परंतु ये जो अभिक्रिया है ये पहले की कक्षा के लिए है। अभी के लिए जो आपको अभिक्रिया याद रखनी है वो अभिक्रिया है कि जब 6 कार्बन डाइऑक्साइड गैस के मॉलिक्यूल अभिक्रिया करते हैं 6 जल के मॉलिक्यूल से क्लोरोफिल और प्रकाश की मौजूदगी में, तो हमें मिलता है ग्लूकोज, जिसका सूत्र होता है C6H12O6, और साथ में हमें मिलता है ऑक्सीजन गैस। तो ये जो नीचे वाली समीकरण है आपको अब ये याद रखनी है, क्योंकि दरअसल जो ऊपर वाली समीकरण है वो उतने अच्छे से चीजों को एक्सप्लेन नहीं करती। तो चलिए अब बात करते हैं कि आखिर कार्बोहाइड्रेट से होता क्या है। दरअसल ये जो कार्बोहाइड्रेट हमें इस अभिक्रिया से मिलता है ये पौधों को ऊर्जा प्रदान करने में प्रयुक्त हो जाता है। परंतु जो पौधे होते हैं वो सारा कार्बोहाइड्रेट एक ही बार में इस्तेमाल नहीं कर लेते। दरअसल वो कुछ कार्बोहाइड्रेट को इकट्ठा करके भी रख लेते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि रात के समय प्रकाश संश्लेषण नहीं हो सकता, परंतु पौधों को ऊर्जा तो रात के समय भी चाहिए। तो जो कार्बोहाइड्रेट तुरंत प्रयुक्त नहीं होते हैं उन्हें मंड यानी कि स्टार्च के रूप में संचित कर लिया जाता है। इसी तरीके से जो हमारा शरीर है, हमारे शरीर में भी जो ऊर्जा इस्तेमाल नहीं होती उसे इकट्ठा किया जाता है ग्लाइकोजन के रूप में। चलिए अब बात करते हैं विषमपोषी जीवों के बारे में कि आखिर विषमपोषी जो पोषण होता है वो किस तरीके से होता है। विषमपोषी जीव स्वपोषी जीव पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर करता है। अब ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि अगर स्वपोषी जीव खत्म हो जाते हैं तो जो विषमपोषी जीव है वो भी खत्म हो जाएंगे, क्योंकि वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्वपोषी जीव पर निर्भर करते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर पृथ्वी से सारे पेड़ हटा दिए जाएं तो इस पृथ्वी पर जितना भी जीवन है वो सारा का सारा खत्म हो जाएगा। अब हम ये तो जानते हैं कि हम पौधों से अपना खाना प्राप्त करते हैं, जैसे कि चावल गेहूं ये सब हमें पौधों से मिलता है। पर कोई कह सकता है कि हम तो बकरियों को भी खाते हैं, पर बकरियों तो पौधों पे नहीं उगती, इसका मतलब हम बकरियों को खाकर जीवित रह सकते हैं। परंतु देखा जाए तो बकरियां क्या खाती हैं? बकरियां घास को खाती हैं। तो हम किसी भी चीज को खाएं वो या तो हम सीधा पौधों से लेंगे, या हो सकता है हम किसी और जीव को खाएं जो उन्हें पौधों से ले रहा हो। तो एट द एंड जितनी भी चीजें होती हैं वो सब हमें पौधों से ही मिलती है, और इसलिए जो विषमपोषी जीव होते हैं वो स्वपोषी जीव के बिना जीवित नहीं रह सकते। विषमपोषी जीव जटिल यौगिकों को सरल यौगिकों के रूप में तोड़ते हैं और ऊर्जा प्राप्त करने के लिए उनका उपभोग करते हैं। दरअसल ये जो विषमपोषी पोषण होता है ये होता है तीन तरह का। एक होता है मृतोपजीवी, दूसरा होता है परजीवी, और तीसरा होता है होलोजोइक पोषण। मृतोपजीवी वो जीव होते हैं जो सड़ चुके जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उदाहरण के लिए फफूंदी, यीस्ट, मशरूम इत्यादि। अगर परजीवी की बात करी जाए तो ये वो जीव होते हैं जो पौधे और जंतुओं को बिना मारे उनसे पोषण प्राप्त करते हैं, उदाहरण के लिए जूं, जोंक इत्यादि इसके उदाहरण हो जाते हैं। अब बात करते हैं होलोजोइक पोषण की, जो मनुष्य के अंदर होता है। अन्य जीव संपूर्ण भोज्य पदार्थ का अंतर्ग्रहण करते हैं तथा उसका पाचन शरीर के अंदर होता है, उदाहरण के लिए मनुष्य, जानवर इसके उदाहरण हो जाते हैं। अब अगर हम अमीबा में पोषण की बात करें तो अमीबा एक एक कोशिकीय जीव है। इसके अंदर एक ही कोशिका होती है जो भोजन को खाती भी है, उसे पचाती भी है, और उससे ऊर्जा भी ग्रहण करती है। वहीं अगर हम मनुष्य जैसे जीवों की बात करें तो उनके पास काम बटा हुआ होता है, जैसे कि हाथ का इस्तेमाल होता है खाना खाने के लिए, मुंह से हम खाने को चबाते हैं, और आमाशय में खाना पचाया जाता है।
अब अगर हम अमीबा की बात करें तो अमीबा कोशिकीय सतह से उंगली जैसे अस्थाई प्रवर्त की मदद से भोजन ग्रहण करता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। यह प्रवर्त भोजन के कणों को घेर लेता है तथा संगलित होकर खाद्रितिका को आप यहाँ पर देख सकते हैं। खाद्रितिका के अंदर जटिल पदार्थों का विघटन सरल पदार्थों में किया जाता है और वे कोशिका द्रव्य में विसरित हो जाते हैं और इस तरीके से अमीबा का पोषण पूरा होता है। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। हमने बात करी पोषण की, जहां पर हमने दो तरीके के पोषण जाने, जो थे स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण। इसके बारे में और अच्छे से जानने के लिए आप अपनी एनसीईआरटी के जैव प्रक्रम वाले अध्याय को पढ़िएगा, जहां पर आपको पढ़ना है पोषण और जीव अपना पोषण कैसे प्राप्त करते हैं। अगली वीडियो में हम बात करेंगे मनुष्यों में पोषण के बारे में। तो आपको दो काम करने हैं, पहला इस वीडियो में जो चीजें पढ़ी हैं उसे बुक में फिर से जाकर पढ़ना है और अगली कक्षा में मनुष्यों में पोषण को पढ़ के आना है। इस वीडियो के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे संबंध एवं फलन का पार्ट 5। संबंध एवं फलन को इंग्लिश में रिलेशंस एंड फंक्शंस कहते हैं। चलिए देखते हैं पार्ट 5 में हम क्या पढ़ेंगे। द्विआधारी संक्रियाएं। द्विआधारी संक्रियाएं क्या होती हैं? वे संक्रियाएं जहां पर दो चीजों पर यानी दो अवयव पर अगर संक्रिया लगाया जाए तो वह दोनों मिलकर के एक तीसरा अवयव हमें देते हैं, जैसे कि जोर में हम क्या करते हैं, दो संख्याओं को लेते हैं और अगर हम उसमें जोर संक्रिया का प्रयोग करें तो जोड़ने के बाद एक तीसरी संख्या हमें प्राप्त होती है। तो इसको कहते हैं द्विआधारी संक्रियाएं, जहां पर दो अवयव को मिला करके उसपे संक्रिया लगा करके अगर हम कुछ तीसरा प्राप्त कर पाए। पढ़ते हैं द्विआधारी संक्रियाओं के बारे में डिटेल में। किसी समुच्चय ए में एक द्विआधारी संक्रिया स्टार, एक फलन स्टार जहां ए क्रॉस ए से ए पर परिभाषित है, हम स्टार ब्रैकेट में ए कॉमा बी को ए स्टार बी द्वारा निरूपित करते हैं। तो ये है परिभाषा द्विआधारी संक्रियाओं का। चलिए जानते हैं इसका अर्थ क्या है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज इसके बारे में, द्विआधारी संक्रिया हमेशा किसी समुच्चय पर परिभाषित होती है, जैसे कि यहाँ पर ए समुच्चय पर परिभाषित है। अब एक समुच्चय ए पर परिभाषित द्विआधारी संक्रिया स्टार ए क्रॉस ए से ए पर परिभाषित होगा, तब ए स्टार बी जहां पर ए कैपिटल ए में है, बी अगेन कैपिटल ए में है और इन दोनों पर संक्रिया लगाने के बाद जो ए स्टार बी प्राप्त होगा वो भी कैपिटल ए में ही होगा, यानी वो समुच्चय जिस पर द्विआधारी संक्रिया परिभाषित है। तो ये है द्विआधारी संक्रिया की परिभाषा और उसका मीनिंग। चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं। योग। योग एक एग्जांपल है द्विआधारी संक्रिया। अगर हम योग को वास्तविक संख्या पर परिभाषित करें, यानी योग जो r क्रॉस r से r पर परिभाषित है, तब a जमा b जहां a तथा b वास्तविक संख्या है, दोनों का योग भी वास्तविक संख्या है। एग्जांपल देखते हैं, जैसे 4 जमा 3, 4 एक वास्तविक संख्या है तथा 3 एक वास्तविक संख्या है, दोनों को जोड़ने पर 7 प्राप्त होता है, तो ये भी एक वास्तविक संख्या। तो हम कहेंगे योग एक द्विआधारी संक्रिया है अगर ये समुच्चय R पर परिभाषित है। चलिए गुणा। गुणा जो वास्तविक संख्या पर परिभाषित है, यानी गुणा
आर क्रॉस आर से आर पर परिभाषित है तो ये भी एक द्विआधारी संख्या है, क्योंकि ए क्रॉस ए किसी भी दो वास्तविक संख्याओं का गुणनफल भी वास्तविक संख्या ही होता है। दोस्तों, क्या किसी के दिमाग में ये आ रहा है कि जोड़ या गुणा तो हम दो से अधिक संख्याओं का भी करते हैं? यानी चलिए गुणा का एग्जाम्पल देते हैं। अगर मुझे ए क्रॉस बी क्रॉस सी निकालना है तो क्या ये द्विआधारी संख्या नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तीन अवयव है? तो ये भी द्विआधारी संख्या ही है, क्योंकि अगर हमें ए क्रॉस बी क्रॉस सी निकालना होता है तो हम पहले किसी दो संख्याओं को गुणा करते हैं, इसलिए वो द्विआधारी कहा जाएगा, और जो आंसर आएगा उसको फिर हम तीसरी संख्या से करते हैं। तो इसीलिए अगर हम दो से अधिक संख्याओं पर भी द्विआधारी संख्याएं लगा रहे हैं तो हम एक साथ नहीं लगाते, हम एक समय पर दो संख्या को ही लेते हैं। चलिए देखते हैं अंतर, क्या अंतर द्विआधारी संख्याएं हैं? तो अंतर अगर हम वास्तविक संख्या पर देखें तो जी हाँ, ये एक द्विआधारी संख्या है, क्योंकि किसी दो वास्तविक संख्याओं का अंतर भी वास्तविक संख्या ही होता है। पर क्या अंतर प्राकृत संख्याओं पर भी द्विआधारी संख्या होगी? तो नहीं, प्राकृत संख्या में अगर मैं पहली संख्या 5 लूं और दूसरी संख्या 10 लूं तो 5 घटा 10 माइनस का 5 आता है, जो कि एक प्राकृत संख्या नहीं है। इसीलिए अंतर अगर प्राकृत संख्या पर परिभाषित है तो वह द्विआधारी संख्या नहीं है। अगला भाग, तो अगर भाग वास्तविक संख्या पर परिभाषित है तो क्या ये द्विआधारी संख्या है? तो नहीं, ये द्विआधारी संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर हम a बटे b निकालना चाहें और b का मान 0 रखें तब a बटा b परिभाषित नहीं है, इसीलिए भाग एक द्विआधारी संख्या नहीं है अगर ये वास्तविक संख्या पर परिभाषित है। चलिए देखते हैं द्विआधारी संख्याओं के कुछ प्रॉपर्टीज। पहली है क्रम विनिमयता। समुच्चय x में एक द्विआधारी स्टार संख्या क्रम विनिमय यानी कॉमिटेटिव कहलाती है। यदि प्रत्येक a कॉमा b बिलोंग्स टू x यानी कि a और b जो x में है के लिए a स्टार b बराबर हो b स्टार a के, जैसे 4+3 बराबर है 7 के, तो 3+4 भी बराबर है 7 के, यानी 4+3 बराबर है 3+4 के, तो हम कहेंगे कि योग एक क्रम विनिमय है, यानी यहाँ पर ये द्विआधारी संख्या क्रम विनिमय है। चलिए देखते हैं घटाव का। 4-3 बराबर होता है 1 के, वही 3-4 बराबर होगा -1 के। यहाँ आप देख सकते हैं 4-3 3-4 के बराबर नहीं है, इसीलिए ये क्रम विनिमय नहीं है। अगली प्रॉपर्टी है सहचार्यता। सहचार्यता क्या होता है? एक द्विआधारी संक्रिया स्टार ए क्रॉस ए से ए पर परिभाषित है, सहचार्य कहलाती है यानी एसोसिएटिव कहलाती है, यदि ए स्टार बी स्टार सी यानी जिसमें हमने ए और बी को साथ में सॉल्व किया है बराबर हो ए स्टार बी स्टार सी जहां पर बी और सी को पहले हल किया गया। For all A B C belongs to A, यानी प्रत्येक A B C जो कि A में। चलिए एग्जांपल देखते हैं। 4+3+5, जहाँ पे अगर 4 और 3 को हम पहले जोड़े। इसी प्रकार 4+3+5, जहाँ पे हम 3 और 5 को पहले जोड़े। आप देख सकते हैं दोनों ही संख्या बिल्कुल सेम है, हम बस कंबाइन अलग अलग संख्याओं को करें। पहले में हमने 4 और 3 को पहले जोड़ा और दूसरे में हमने 3 और 5 को। इस प्रकार हमारे पास आता है 7+5 और दूसरे में आएगा 4+8। 7+5 12 के बराबर है तथा 4+8 भी 12 के बराबर है। तो आप देख सकते हैं दोनों ही केस में उत्तर बराबर है, यानी योग एक सहचार्य द्विआधारी संख्या है। चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। एक बाइनरी ऑपरेशन यानी कि द्विआधारी संख्या वास्तविक संख्या पर परिभाषित है कुछ इस प्रकार, जहां a स्टार b
बराबर होगा a जमा 2b के। तो हमें चेक करना है क्या ये सहचार्य है या नहीं। चलिए देखते हैं। अपनी तरफ से कुछ वास्तविक संख्याएं लेट करते हैं। a बराबर 8 लिया हमने, b बराबर 5 तथा c बराबर 4 लिया। तो a स्टार b स्टार c, जहां पर a और b को एक साथ अगर हम भाग करें तो क्या होगा, a की जगह पे 8 स्टार b की जगह पे 5 स्टार c की जगह पे 4 रखा है। अब दी हुई संख्याएं लगाते हैं इस पे, यानी 8 जमा 2 गुने में 5 स्टार 4, ये आएगा 8 जमा 10 स्टार 4, 8 जमा 10 18 होगा, तो ये आया 18 स्टार 4। अब फिर से हम इस पे दी हुई संख्याएं लगाएंगे, ये आएगा 18 जमा 2 गुने में 4, यानी 18 जमा 8 जो आएगा 26, यानी a स्टार b स्टार c, जहां पर a और b को साथ में हल किया गया है पहले, तो यहां पे इसका मान आता है 26। अब हम निकालेंगे a स्टार b स्टार c, जहां पर b और c को पहले हल करेंगे। तो a स्टार b स्टार c, b और c को हल करने के लिए हमने a b c का मान प्रतिस्थापित किया है। तो इस प्रकार हमारे पास आएगा 8 स्टार 5 जमा 2 गुने में 4। इसको हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 8 स्टार 5 जमा 8, आगे हल करने पर प्राप्त होगा 8 स्टार 13। अब फिर से इस पे हम संक्रिया लगाएंगे, तो ये आएगा 8 जमा 2 गुने में 13, यानी 8 जमा 26, और इसका मान आएगा 34, यानी a स्टार b स्टार c, जहां पे b स्टार c को पहले हल किया है, उसका मान है 34। इस प्रकार हमें दोनों मान प्राप्त हो गए हैं। अब आप देख सकते हैं कि a स्टार b स्टार c बराबर 26, जहां a और b को पहले हल किया गया है, वो बराबर नहीं है a स्टार b स्टार c, जहां b और c को पहले सॉल्व किया गया है। दोनों मान आपस में इक्वल नहीं है, इसलिए हम कहेंगे कि a स्टार b, जो a जमा 2b से परिभाषित है, एक सहचार्य द्वि आधारी संक्रिया नहीं है। चलिए अगली प्रॉपर्टी देखते हैं, तत्सम। किसी प्रदत्त द्वि आधारी संक्रिया स्टार a क्रॉस a से a पर परिभाषित के लिए एक अवयव e belongs to a, यानी एक अवयव e है जो a में बिलोंग करता है, यदि इसका अस्तित्व है, तत्समक आइडेंटिटी कहलाता है। यदि a स्टार e बराबर हो a के, जो बराबर है e स्टार a for all a belongs to a, यानी कैपिटल a में एक ऐसा अवयव e है जिसके लिए a स्टार e बराबर a के आ जाएगा, तथा e स्टार a भी a के बराबर आएगा। एग्जांपल लेते हैं, एक 1 जमा 0, अगर मैं प्राकृत संख्या की बात करूं और योग हम द्विआधारी संक्रिया को ले, तो 1 जमा 0 बराबर आता है 1 के, इसी प्रकार 0 जमा 1 भी बराबर आता है 1 के। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 0 को अगर हमने ऐड किया है 1 में, तो आंसर 1 ही आया। और अगर हम ऐड की बात करें, तो किसी भी संख्या में अगर आप 0 को जोड़े, तो आंसर वो संख्या खुद से आ जाता है, यानी 0 जो है वो तत्समक है योग संक्रिया का। चलिए अगला देखते हैं, व्युत्क्रमणीय। a में तत्समक अवयव e वाले एक प्रदत्त द्विआधारी संक्रिया स्टार a क्रॉस a से a पर परिभाषित के लिए किसी अवयव a belongs to a को संक्रिया स्टार के संदर्भ में व्युत्क्रमणीय कहते हैं, यदि a में एक ऐसे अवयव b का अस्तित्व है कि a स्टार b बराबर e बराबर b स्टार a हो, तो b को a का प्रतिलोम कहते हैं, जिसे प्रतीक a इनवर्स यानी कि a की पावर -1 द्वारा निरूपित करते हैं। यहाँ पर a स्टार b बराबर आ जाए e यानी तत्समक के, तथा b स्टार a बराबर आ जाए e यानी तत्समक के, a इनवर्स यानी a का प्रतिलोम b के बराबर होता है। जैसे अगर हम योग की बात करें, तो 3 का प्रतिलोम -3 होगा, और अगर हम गुणा की बात करें, तो 3 का प्रतिलोम 1/3 होगा।
इस वीडियो में हमने सीखा द्विआधारी संक्रियाएं, जिसमें हमने इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी, क्रम विनिमयता यानी कॉम्यूटेटिविटी, सहचार्यता यानी एसोसिएटिविटी, तत्समक यानी आइडेंटिटी, व्युत्क्रमीय यानी इनवर्स। अगली वीडियो में हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस फिजिक्स वीडियो लेक्चर। दोस्तों, अभी तक हम चैप्टर 1 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के चार भागों को पढ़ चुके हैं। आज हम इसका पांचवा भाग समझेंगे और इस पांचवे भाग में हम जो टॉपिक्स समझेंगे वो है वैद्युत फ्लक्स, गाउस नियम और गाउस नियम के अनुप्रयोग। दोस्तों, हमने अपने पिछले वीडियो में वैद्युत क्षेत्र और उससे जुड़ी वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में जाना था, जबकि किसी पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की कुल संख्या पृष्ठ से संबंध विद्युत फ्लक्स कहलाता है। अब जैसे यहाँ इस आवेश Q से जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं बनेंगी, उनमें से कुछ क्षेत्र रेखाएं इस पृष्ठ से भी होकर निकलेंगी, तो इस पृष्ठ से गुजरने वाली रेखाओं की संख्या कही जाती है वैद्युत फ्लक्स। आइए अब समझते हैं कि इसे मापते कैसे हैं। मान लीजिए कि हमारे पास एक बंद पृष्ठ S है। अगर आप इस पृष्ठ की लंबवत दिशा देखें तो वो होगी कुछ इस तरह। अब मान लीजिए कि इस पृष्ठ से कुछ वैद्युत क्षेत्र रेखाएं इस तरह से पास होती हैं। तो इस पृष्ठ के एक छोटे से क्षेत्रफल ds के लिए वैद्युत फ्लक्स भी भिन्नात्मक ही होगा, यानी dϕ। तो हम लिख सकते हैं कि dϕ बराबर होगा E dot ds। दोस्तों, यहाँ ds सदिश पृष्ठ S की लंबवत दिशा है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट यानी अदिश गुणनफल लिखा जा सकता है E ds cos थीटा। और अगर आप यहाँ देखें तो सदिश E और सदिश ds समान दिशा में ही हैं, यानी थीटा होगा 0 डिग्री। और जैसा कि हम जानते हैं कि cos 0 डिग्री होता है 1। इसलिए फाई यानी कुल वैद्युत फ्लक्स बराबर होगा E गुणा S के। दोस्तों, वैद्युत फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम मीटर की घात 2। आइए अब बात करते हैं आज के हमारे दूसरे टॉपिक गाउस नियम की, जिसे दिया था मशहूर मैथमेटिशियन और फिजिसिस्ट कार्ल फ्रेडरिक गाउस ने। इस नियम के अनुसार किसी बंद तल से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स उस तल द्वारा घिरे हुए कुल विद्युत आवेश की मात्रा के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी फाई अनुक्रमानुपाती होगा क्यू के। और दोस्तों, आनुपातिकता का चिन्ह हटाया जाए तो फाई यानी कुल वैद्युत फ्लक्स बराबर होगा क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट के। आइए अब इस नियम के कुछ अनुप्रयोग पर ध्यान देते हैं, जिसमें सबसे पहले है किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की गाउस नियम द्वारा गणना। दोस्तों, अगर आपको याद हो तो किसी बिंदु आवेश की वजह से बनने वाला वैद्युत क्षेत्र होता है 1/4πε0Q/r^2। चलिए अब देखते हैं कि गाउस नियम की मदद से आने वाला वैद्युत क्षेत्र का व्यंजक भी समान होता है या नहीं। तो मान लीजिए कि यहाँ ये बिंदु आवेश Q है जिससे बनने वाले वैद्युत क्षेत्र को हमें मापना है।
अब मान लेते हैं कि इससे r दूरी पर एक पृष्ठ है जो इस आवेश को घेर लेता है। इस पृष्ठ को कहा जाता है गॉसियन पृष्ठ या सतह, और बिंदु आवेश होने की वजह से ये गॉसियन पृष्ठ होगा गोलाकार। अब हम इस गॉसियन पृष्ठ का एक छोटा सा पृष्ठ ds लेते हैं, जिससे हम भिन्नात्मक फ्लक्स निकालकर पूरे पृष्ठ के लिए इंटीग्रेट कर टोटल यानी संपूर्ण फ्लक्स कैलकुलेट कर सके। अब अगर हम इस छोटे से पृष्ठ का लंब देखें तो वो त्रिज्यीय दिशा में होगा, जबकि विद्युत क्षेत्र भी त्रिज्यीय दिशा में होगा। तो अब हम लिख सकते हैं कि d phi बराबर होगा E dot ds, यानी d phi बराबर E ds cos theta। और दोस्तों, क्योंकि ये दोनों ही सदिश समान दिशा में है, इसलिए यहाँ पर भी थीटा होगा 0 degree। और फिर से क्योंकि cos 0 degree बराबर होता है 1 के, इसलिए d phi बराबर होगा E ds के। आइए अब इस पूरे गॉसियन पृष्ठ के लिए इसे इंटीग्रेट करते हैं। अब गॉस नियम के अनुसार कुल फ्लक्स फाई होता है q बटे एप्सिलॉन नॉट, और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 pi r^2, यानी इक्वेशन बनेगी q बटे एप्सिलॉन नॉट बराबर E गुणा 4 pi r^2। और अगर इससे विद्युत क्षेत्र मापा जाए तो E होगा 1/4 pi epsilon naught q/r^2। आइए अब ज्ञात करते हैं किसी एक समानीय आवेशित अनंत लंबाई के तार के कारण विद्युत क्षेत्र का व्यंजक क्या होता है। मान लीजिए यह एक धनावेशित तार है जिसका विद्युत क्षेत्र कुछ ऐसा होगा। अब यहाँ पर गॉसियन पृष्ठ होगा इस तार के चारों ओर एक काल्पनिक बेलन। मान लीजिए कि इस बेलन की लंबाई है L, जो इस तार की भी लंबाई है, और त्रिज्या है R। यहाँ पर मुख्यतः दो पृष्ठीय क्षेत्रफल हैं, एक बेलन के टॉप और बॉटम, और दूसरा है बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। अब मान लेते हैं कि लैम्डा आवेश प्रति इकाई लंबाई है, और बेलन का कुल आवेश q बराबर होगा लैम्डा गुणा l, यानी आवेश प्रति इकाई लंबाई गुणा तार की लंबाई के। अब गाउस नियम द्वारा, जैसा कि हम जानते हैं कि कुल फ्लक्स यानी फाई बराबर होगा q बटे एप्सिलॉन नॉट, जहां पर q इस गॉसियन सतह द्वारा घेरा गया कुल आवेश है यानी लैम्डा l। तो अगर इस समीकरण में q की जगह लैम्डा l को रखा जाए तो समीकरण होगा पाई बराबर लैम्डा l बटे एप्सिलॉन नॉट, और इसके अतिरिक्त फ्लक्स बराबर होगा E डॉट ds के। दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर दो तरह के पृष्ठीय क्षेत्रफल हैं, इसलिए d phi बराबर होगा E डॉट ds1 जमा ds2, या इसे लिख सकते हैं कि d phi बराबर होगा E डॉट ds1 जमा E डॉट ds2। इसके अतिरिक्त इसे लिखा जा सकता है d phi बराबर E ds1 cos theta 1 जमा E ds2 cos theta 2। अब दोस्तों, अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो पृष्ठ 1 पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पृष्ठ के लंब और विद्युत क्षेत्र की दिशा में 90 डिग्री का कोण बनता है, जबकि पृष्ठ 2 के लंब और विद्युत क्षेत्र की दिशा में 0 डिग्री का कोण बनता है, जिसकी वजह से सिर्फ पृष्ठ 2 वाला व्यंजक ही इस समीकरण में रह पाएगा, क्योंकि cos 90 की वैल्यू 0 होती है और पृष्ठ 1 वाला व्यंजक समाप्त हो जाता है। यानी अब समीकरण आएगी d phi बराबर E ds2 cos 0 डिग्री या d phi बराबर E ds2, और जिसे पूरे पृष्ठ के लिए इंटीग्रेट करना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले हम लिख लेते हैं गॉस नियम की सहायता से निकलने वाला कुल फ्लक्स, जो था phi बराबर लैम्डा l बटे एप्सिलॉन नॉट। इसके अलावा
इंटीग्रेट करने पर आता है लैम्डा एल बटे एप्सिलॉन नॉट बराबर ई गुणा 2 पाई आर एल। और दोस्तों इससे अगर वैद्युत क्षेत्र का व्यंजक निकाला जाए तो वो आएगा लैम्डा बटे 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आज के वीडियो के टॉपिक्स आपको समझ आए होंगे। आइए आज के इन्हीं टॉपिक्स पर आधारित एक उदाहरण समझते हैं। किसी घन जिसके अंदर आवेश जमा Q उपस्थित है के एक पृष्ठ से संबंधित वैद्युत फ्लक्स की गणना करें। तो फ्रेंड्स जैसा कि हमें दिया गया है कि एक घन के अंदर आवेश Q बंद है, तो हम गाउस नियम की मदद से लिख सकते हैं कि घन से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर होगा Q बटे एप्सिलॉन नॉट के। अब क्योंकि घन में कुल 6 पृष्ठ होते हैं तो किसी एक पृष्ठ से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स कुल फ्लक्स का 1/6 होगा, यानी फाई बराबर होगा 1/6 गुणा घन से निकलने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स। यानी घन के किसी एक पृष्ठ से संबंधित वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर है 1/6 गुणा Q बटे एप्सिलॉन नॉट या Q बटे 6 एप्सिलॉन नॉट। तो आज के हमारे इस वीडियो में हमने समझा वैद्युत फ्लक्स को और जाना गाउस नियम को। इसके साथ हमने देखे गाउस नियम के कुछ अनुप्रयोग, जैसे किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र और किसी एक समानीय आवेशित अनंत लंबाई के तार के कारण वैद्युत क्षेत्र। हमारे अगले वीडियो में हम समझेंगे गाउस नियम के ही कुछ और अनुप्रयोग। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय। आशा करती हूँ डीजे साथ के आज के एपिसोड में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आइए देखते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा। तो आज हमने 10वीं कक्षा के गणित के अध्याय वास्तविक संख्याएं के बारे में पढ़ा। इसी प्रकार से 10वीं कक्षा के साइंस में हमने पढ़ा जैव प्रक्रम के बारे में। इसी प्रकार से 12वीं कक्षा में हमने गणित का अध्याय संबंध एवं फलन के बारे में जाना, तथा इसी प्रकार से 12वीं कक्षा के फिजिक्स में हमने पढ़ा वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के बारे में। आइए देखते हैं कि अब हम कल क्या पढ़ेंगे। तो कल हम पढ़ेंगे 10वीं कक्षा में सोशल साइंस का अध्याय संसाधन और विकास, तथा इंग्लिश में नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इसी प्रकार से 12वीं कक्षा में हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री का अध्याय ठोस अवस्था, तथा बायोलॉजी का अध्याय जीवों में जनन। एक जरूरी सूचना, इस एपिसोड को जो अभी हमने देखा इसका पुनः प्रसारण YouTube पर किया जाएगा इकोवेशन के चैनल पर ठीक 3 बजे। तो यदि आप अपने दोस्तों के साथ ये एपिसोड शेयर करना चाहते हैं या इसे पुनः देखना चाहते हैं तो YouTube पर DigiSat Equation सर्च करें, जिससे कि आप इस वीडियो तक पहुंच जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।